युद्ध में सबसे बड़ा हथियार है सटीक खुफिया जानकारी होना। और ऐसा ही एक जानकारी यूक्रेन को मिली है और दावा यह किया गया है कि यूक्रेन ने सिर्फ पेपर ड्रोन से ही रूस के 5 लड़ाकू विमान उड़ा दिए हैं। पेपर ड्रोन यानी कागज का ड्रोन, ये शब्द आपने शायद पहली बार ही सुना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पेपर ड्रोन ने जंग में बहुत जबरदस्त चोट दी है। कागज का ये ड्रोन ऐसा है कि कई बार बड़े वॉर एक्सपर्ट भी चकरा गए। यूक्रेन के युद्ध में ऐसे ऐसे हैरतअंगेज वाक्य हो रहे हैं कि एक आम इंसान की कल्पना से भी परे हैं, यकीन करना भी मुश्किल है। क्या लड़ाकू विमानों को कोई कागज का ड्रोन तबाह कर सकता है? हो सकता है कि जब आप इस बात को सुने तो आप भी इस पर भरोसा ना करें, लेकिन दुनिया के कई बड़े अखबारों में इस पर हैरानी जताई जा रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसके दावे किए जा रहे हैं। हमने इस पूरे मामले की तहकीकात की है, हमने पेपर ड्रोन क्या है इसको भी समझा है, और साथ ही ये भी पता लगाया है कि क्या पेपर ड्रोन को रूस का एयर डिफेंस नहीं पकड़ सका। एक एक करके पूरी बात आपको समझाएंगे, साथ ही लेकिन शुरुआत करेंगे रूस के पूर्व उपराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने सर्वनाश की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि रूस के दुश्मनों के लिए सर्वनाश का वक्त नजदीक आ गया है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या है ये पेपर ड्रोन अटैक का मामला। पेपर ड्रोन अटैक इस युद्ध का अब तक का सबसे अकल्पनीय, अभूतपूर्व और अविश्वसनीय मामला बताया जा रहा है। ये है ज़ेलेंस्की का वो चीता कमांडर जिसने कागज के ड्रोन से लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। वसीम मलयूक यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा को SSU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन। SSU का मुख्य काम यूक्रेन की सुरक्षा और यूक्रेन की सुरक्षा से संबंधित खुफिया जानकारियां जुटाना होता है। लेकिन इसी सुरक्षा एजेंसी SSU के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 26 से 27 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच यूक्रेन ने पेपर ड्रोन से रूस के बॉर्डर स्टेट कुर्स्क पर हमला करके रूस के 5 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। हमले का दावा कितना सच है और हमले की पूरी डिटेल क्या है आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर ये पेपर ड्रोन होता क्या है। दरअसल पेपर ड्रोन का मतलब है कार्डबोर्ड और मोटे कार्ड शीट से बने हुए ड्रोन। आमतौर पर दुनिया में ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं जो धातु के बने होते हैं, यानी ड्रोन में एक मोटर तो होती है जो कि उसे ऊपर हवा में उठाती है, लेकिन साथ ही इसमें पंख भी होते हैं जो कि इसे उड़ने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें विस्फोटक भी भरा जाता है। ऐसे ड्रोन जिस भी टारगेट पर जाकर फटते हैं वहां ड्रोन तो खत्म हो ही जाता है, यानी ड्रोन की खुदकुशी हो जाती है, लेकिन जिस टारगेट पर वो गिरता है वो अरबों डॉलर्स का बेशकीमती हथियार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के सूत्र जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक ऐसे कार्डबोर्ड के ड्रोन बनाए गए और फिर उस कार्डबोर्ड के ड्रोन में विस्फोटक लगा दिए गए और इन ड्रोन्स को रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित किया गया और फिर उस जगह पर विस्फोट करवा दिया गया जहां पर रूस के 5 लड़ाकू विमान मौजूद थे। ये दावा कितना सही है इसकी पड़ताल भी हमने की है।
सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस कुसर्ग स्टेट पर हमले की बात कही जा रही है वो आखिर रूस में कहां मौजूद है। कुसर्ग स्टेट रूस और यूक्रेन की सीमा पर मौजूद है। कुसर्ग के जिस मिलिट्री बेस पर हमले का दावा यूक्रेन ने किया है वो यूक्रेन के बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर ही मौजूद है। पेपर ड्रोन को 100 किलोमीटर के अंदर तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है, एक और सबूत है जिससे ये साबित होता है कि 26-27 अगस्त की आधी रात के बीच कुसर्ग शहर में कुछ हलचल देखी गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र के गवर्नर रोमन स्टोरोवॉयट ने हमले के बाद ही एक टेलीग्राम पर पोस्ट करके कहा था कि यूक्रेन ने एक बार फिर रात भर और 27 अगस्त की सुबह ड्रोन का उपयोग करके रूस के क्षेत्र पर आतंकवादी हमले करने का प्रयास किया है। गवर्नर के मुताबिक उस वक्त रूस के एयर डिफेंस ने ब्रोंस्क और कुसर्ग क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे दो ड्रोन्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया था। कुसर्ग के गवर्नर ने ये तो नहीं बताया कि कुसर्ग की मिलिट्री एयरफील्ड पर कोई हमला हुआ है, लेकिन ये जरूर कहा था कि कुसर्ग में ड्रोन ने एक इमारत पर हमला किया था जिससे कुछ खिड़कियां टूट गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि तब कुसर्ग के गवर्नर ने ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई कि ड्रोन ने हमला करके लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है, लेकिन इस हमले पर यूक्रेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने कीव इंडिपेंडेंट अखबार को बताया है कि 26 से 27 अगस्त की मध्य रात्रि में 13 ड्रोन्स ने हमला किया था। ये हमला कुसर्ग की एयरफील्ड पर हुआ था जहां रूस के 5 लड़ाकू विमान मौजूद थे। एयरफील्ड पर रूस के 4 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान SU-30 मौजूद थे, साथ ही एक MiG-29 विमान भी मौजूद था। विस्फोटकों से लदे पेपर ड्रोन्स इन 5 लड़ाकू विमानों पर जाकर टकरा गए। कुल 13 धमाके सुने गए थे। इन 5 लड़ाकू विमानों के अलावा भी पेपर ड्रोन्स ने रूस के 2 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट कर दिए, साथ ही S-300 एयर डिफेंस भी तबाह कर दिया। अब जरा सोचिए, एक पेपर ड्रोन की कीमत बहुत ही मामूली है, लेकिन रूस के लड़ाकू विमान बहुत महंगे हैं। रूस का एक SU-30 लड़ाकू विमान 600 करोड़ का है। इस तरह कुल 4 SU-30 लड़ाकू विमान 2400 करोड़ रुपए के हुए और एक MiG-29 की कीमत करीब 150 करोड़ है, यानी कुल 5 बर्बाद हुए लड़ाकू विमानों की कीमत 2550 करोड़ रुपए हुई। अगर ये मान लिया जाए कि विस्फोटकों के साथ 13 पेपर ड्रोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए होगी, तो भी ये आश्चर्यजनक घटना है कि सिर्फ 10,000 रुपए के 13 पेपर ड्रोन से 2550 करोड़ के 5 रूसी लड़ाकू विमान उड़ा दिए गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर दुश्मन के पास एकदम पुख्ता खुफिया जानकारी है तो कुछ भी हो सकता है। युद्ध में सबसे बड़ी बात सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करना ही होता है, और रूस की खुफिया एजेंसी को नेटो और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से भी मदद मिल रही है, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब मेड इन यूक्रेन हथियारों की काफी चर्चा कर रहे हैं और बड़े बड़े डायलॉग्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। Окрема нарада щодо нашого українського виробництва зброї, Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв, гармати, які зроблені в Україні, снаряди, які зроблені в Україні, дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша оборонка даватиме більший результат. एक और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के पेपर ड्रोन्स ने रूस के एयर डिफेंस S-300 को ही खत्म कर दिया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि
की एयर डिफेंस को कोई कागज का ड्रोन नष्ट कर दे, लेकिन ये बात इसलिए सही हो सकती है क्योंकि कागज के ड्रोन या पेपर ड्रोन को ट्रेस कर पाना किसी भी एयर डिफेंस के लिए आसान नहीं है। दरअसल एयर डिफेंस भी किसी हथियार से निकलने वाली किरणों और उसकी गर्मी से ही ये पता लगाता है कि दुश्मन के हथियार की लोकेशन कहाँ है। लेकिन पेपर ड्रोन इतना हल्का और कम ऊष्मा पैदा करने वाला होता है कि उसको ट्रैक कर पाना कभी भी इतना आसान नहीं होता है। अगर पेपर ड्रोन का हमला वाकई में सही है तो ये मानकर चलिए कि अब ज़ेलेंस्की इस बेहद सस्ते ड्रोन की मदद से और भी कई हमले की योजनाओं को तैयार कर सकते हैं। वैसे भी यूक्रेन के ड्रोन इस वक्त मॉस्को तक मार कर रहे हैं, जो रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।